मेरी हर महफिल में आ जाते हैं मुझे परेशान करने। गुलाम सुनना, ये मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे मैं अपने ज़माने में। मैं पढ़ता इसलिए हूँ कि मेरे उस्ताद अब्दुलरहमान नाज़ा साहब की याद रहे, ताज़ा रहे। चाहता तो नए शेर भी पढ़ सकता हूँ लेकिन उनकी याद को सामने अपने अंदर बसाता हूँ। मुश्किल की रग को मैंने बासां पकड़ लिया, वीरानियों से हटके गुलिस्तां पकड़ लिया, साहिल को छोड़कर रुखे तूफां पकड़ लिया, जब गर्दिशों ने मेरा गरेबा पकड़ लिया तो मैंने जनाबे गौस का दामा पकड़ लिया। मैंने जनाबे गौस का दामा पकड़ लिया। और क्या कहा, क्या कहा? गम है न कोई परेशानी, पब्लिक से बुलवाने का स्टाइल भी अजीम नाजा का ही है।
गुलाम तब तुम बहुत छोटे थे, मैं पता नहीं, ये स्टाइल भी अजीम नहीं निकाला है पब्लिक से गवाने का। वलियों पर है सुल्तानी, नाम है कितना लासानी, जिनके नाम नहीं जानता माजरा चाहूंगा, रफीक भाई मेरे भाइयों से, पहले कमेटी से, दिलशाद भाई से, मेरे भाई अल्तमस से, सभी से तवज्जो चाहूंगा, बिलखुसूस अहले महफिल से, खास पाक के दीवानों से। नशा की भीख ना कोई वजीर का सदका, 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 गदाए पंजता नाला फकीर का सदका, गदाए पंजता नाला फकीर का सदका, तमाम उम्र जमाने पे मैं लुटाता रहूं, तो मेरी झोली को अहमद कबीर का सदका। सारा हिंदुस्तान जानता है कि अजीम नाजा की दो जुड़वा बेटियां हैं, ट्विंस, मगर दोनों की क्वालिटी अलग है, चेहरा एक मगर सिफत अलग अलग, एक गौस पाक की दीवानी, दूसरी गरीब नवाज की दीवानी। अब अजीम पे दोनों तरफ से करम हो रहा है, यहां गौस पाक से ये दुआ करती है, ये गरीब नवाज से ये बोलती है मेरे पापा को नवाजना। तो फिर यार गुलाम क्या बिगाड़ेंगे, ये गैर का मसला देखकर बड़े खुश हो गए थे मेरे, तुझ जो मेरे चाहने वाले जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़े खुश कि अजीम नाजा का मार्केट खत्म, पैरालाइज हो गया, बिस्तर पे आ गया। अबे तुमको पता नहीं है मैं गौसपा का गरीब नवाज का दीवाना हूँ, इसीलिए तो डायलॉग मशहूर हुआ है मेरा, शेर सिर्फ जख्मी हुआ है।
टाइगर अभी जिंदा है। ये चला गया इश्क मेरे घर को चमकाता रहे, ये चला गया इश्क मेरे घर को चमकाता रहे, बागरी गुलशन मेरे आंगन को बहकाता रहे, बागरी गुलशन मेरे आंगन को बहकाता रहे। ये चला गया इश्क मेरे घर को चमकाता रहे, ये चला गया इश्क मेरे घर को चमकाता रहे, बागरी गुलशन मेरे आंगन को बहकाता रहे, बागरी गुलशन मेरे आंगन को बहकाता। किसी भी हाल में अपने पीर से दूर नहीं रहता और पीर कभी अपने मुरीद से जुदा नहीं रहता। जो मुरीद अपने पीर को जुदा समझता है मैं उसे मुरीद ही नहीं मानता। अब जरा मैंने चार मिसरों में साबित करने की कोशिश की है, तो तवज्जो फरमाएं। सबकी नजरों में ये एहतराम काफी है, सबकी नजरों में ये एहतराम काफी है। अगर मैं चार मिसरे सुनना अजीम से, है सबकी नजरों में ये एहतराम काफी है, सबकी नजरों में ये एहतराम काफी है, दयारे गौस का अदना गुलाम काफी है, दयारे गौस का अदना गुलाम काफी है। हमें काफी है।
अहले महफिल की नजर कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। कांधे पे किनके कदम शहंशाह रिसालत, बगौर सुनना, अजीम की मेहनत है ये। कांधे पे किनके कदम शहंशाह रिसालत, कांधे पे किनके कदम शहंशाह रिसालत, है कौन जिनकी करते हैं खुद औलिया खिदमत, है कौन जिनकी करते हैं खुद औलिया खिदमत, किनका हसन के घर से नसब नामा मिला है, किनका हसन के घर से नसब नामा मिला है, कौन जिनके कदमों में मुर्दों की जिला है, कौन जिनके कदमों में मुर्दों की जिला है, कौन जिसने बांझ को औलाद दिलाई, है कौन जिसने बांझ को औलाद दिलाई, है कौन जिसने डूबी हुई कश्ती तिराई, है कौन जिसने डूबी हुई कश्ती तिराई, है कौन जो वलियों में शहे बेनजीर है, है कौन जो वलियों में शहे बेनजीर है, है कौन लकब जिनका के पीराने पीर है, है कौन लकब जिनका के पीराने पीर है, झंडा या किसका फर्श विलायत।